नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस में। अपने इस वीडियो में मैं बताऊंगा दिस पॉइंटर के बारे में। याद रखिए, दिस पॉइंटर को ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, स्मॉल टी, कैपिटल टी में नहीं लिखते। दिस पॉइंटर इज पास्ड टू एवरी कॉल्ड मेंबर फंक्शन। जब भी आप किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो दिस पॉइंटर अपने आप पास होता है। वह हमको दिखाई नहीं देता लेकिन वह पास होता है। आप कोई भी आर्गुमेंट पास ना करें किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते समय, फिर भी दिस पॉइंटर वह पॉइंटर है जो पास होता है। अब क्योंकि यह एक पॉइंटर है तो यह किसी ना किसी चीज को पॉइंट तो करेगा, किसी ना किसी के एड्रेस को स्टोर तो करेगा। सो दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड द मेंबर फंक्शन। सो आप किसी मेंबर फंक्शन को किसके जरिए कॉल कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के जरिए ही तो कॉल कर सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के जरिए आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को दिस पॉइंटर कहा जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को दिस पॉइंटर स्टोर करता है। सो दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड द मेंबर फंक्शन। उम्मीद है ये लाइन क्लियर है। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि अभी तक हम जितने प्रोग्राम बनाते आए हैं उन सभी में दिस पॉइंटर का इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन आपने अभी तक गौर नहीं किया। आइए दिखाता हूं कैसे। सो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं और इसको सेव कर देता हूं दिस पॉइंटर डॉट सी पी पी नाम से। और आप जानते हैं हमको मिनिमल स्केलेटन तो बनाना ही पड़ेगा, तो आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन, और मेन फंक्शन को फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास टाइम बना ली। इस टाइम क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल बना लिए, आप जानते ही हम कौन से बनाने वाले हैं, इंटीजर, आवर, मिनट एंड सेकेंड, और इन सभी को पब्लिक कर दिया। अब हम एक टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T1। यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जिसका रिटर्न टाइप मैंने रखा इंटीजर, और ये क्या किया करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के आवर की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको रिटर्न कर दिया करेगा। इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं किसके, टाइम क्लास के। सो टाइम T1 और टाइम T2, दो टाइम क्लास के आर्ग्यूमेंट को पास कराया। याद रखिए टाइम क्या है, एक डेटा टाइप ही तो है, तो आप इसको ठीक वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप दूसरे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने टाइम टाइप के दो वेरिएबल्स यहां पर ले लिए एज अ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद मैंने चेक किया इफ T1.HH इज ग्रेटर देन T2.HH। यही चेक करना पड़ेगा मुझे, अगर T1 के आवर की वैल्यू T2 के आवर की वैल्यू से बड़ी है तो उस केस में रिटर्न क्या करवाऊंगा, मैं T1.HH को रिटर्न करवा दूंगा। एल्स क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, T2.HH। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कुछ ऐसा स्पेशल अभी तक हुआ नहीं है इसमें। अब यहां पर मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे टाइम टाइप के, तो मैंने एक ले लिया TX और एक और बना दिया TY। इन दोनों को ही फिलहाल अनइनिशियलाइज रखा है मैंने। अब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे, तो मैंने TX के HH की वैल्यू दी 5 और TY के HH को वैल्यू दी 6। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है जो मैं समझा चुका हूं। अगर इसको कंपाइल करेंगे इस मोमेंट पे तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, और देखिए कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो मैंने TX का इस्तेमाल कर लिया, हम इस मैक्स आवर फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। कॉल कराने के लिए हमको दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, T1 और T2। तो मैंने यहां TX पास कर दिया और TY पास कर दिया। मुझे नहीं लगता यहां पर भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम ऑब्जेक्ट, यहां भी टाइम उसको कैच कर लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो T1 में क्या आ जाएगा जो TX की वैल्यू, और T2 में क्या जाएगा जो TY की वैल्यू है। अब यहां पर क्या होगा, T1.HH, यानी कि T1 अब किसके इक्वल हो गया, TX के इक्वल। तो एक तरह से TX.HH चेक किया जाएगा T2.HH के, जो कितना है 5। सो 5
बड़ा है 6 से? नहीं, तो क्या होगा, एल्स पर जाएगा और टी टू डॉट एच एच जो कितना हो गया 6, इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और रिटर्न होगा तो इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम यहां प्रिंट कर लेते हैं यूजिंग सी आउट। ये लीजिए, अब क्या प्रिंट होगा अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं, तो 6 प्रिंट होना चाहिए। तो प्रोग्राम कंपाइल किया और रन किया, आप देखेंगे 6 प्रिंट हो रहा है। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं कि आज से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं, जैसे कि मैं एक और यहां पर फंक्शन बना लेता हूं, इंटीजर शो टाइम, ये बनाया मैंने, इसको हम पहले भी बना चुके हैं, और यहां पर सी आउट किया एच एच की वैल्यू कोलन एम की वैल्यू कोलन एस की वैल्यू और फाइनली एंड लाइन, ये कर दिया। शो टाइम फंक्शन में जब भी हमने कॉल किया है तो हमने हमेशा एच एच एम एम और एस एस लिखा है, कभी भी हमने डॉट नहीं लगाया कि टी वन डॉट एच एच या टी टू डॉट एम एम या टी थ्री डॉट, ऐसा तो हमने कभी नहीं लगाया, हमने सिंपली एच एच एम एम एस एस लिख लिया। और जब भी हमने कॉल करने की कोशिश की है, जैसे कि अगर हम यहां पर कॉल करते हैं टी एक्स डॉट शो टाइम और टी वाई डॉट शो टाइम, तो क्या होता है, दोनों ही केस में अलग अलग वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देखिए यहां पर 5 प्रिंट हो रहा है टी एक्स के केस में, क्योंकि आवर की वैल्यू हमने दी है, बाकी दो वैल्यू नहीं दी, वो गार्बेज आ रही हैं। ठीक ऐसे ही यहां पर टी वाई के वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, बाकी दो गार्बेज वैल्यू है। तो देखने वाली बात यह है कि शो टाइम जो फंक्शन है, ये देखिए शो टाइम फंक्शन के अंदर यहां पर हमने लिखा है क्या टी एक्स डॉट एच एच? नहीं लिखा, और ना ही हमने लिखा टी वाई डॉट एच एच, वो भी नहीं लिखा। उसके बावजूद ये फंक्शन जानता है कि इसको किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, तभी तो जब टी एक्स से कॉल हुआ तो टी एक्स के एच एच की वैल्यू को उसने प्रिंट करा, और जब टी वाई से कॉल हुआ तो टी वाई के एच एच वेरिएबल की वैल्यू को उसने प्रिंट किया। तो कोई भी फंक्शन अपने आप तो कुछ नहीं जान सकता, तो क्या हो रहा है, इम्प्लिसिटली आंतरिक रूप से हमको बिना दिखाते हुए C++ कंपाइलर जब भी किसी फंक्शन को कॉल करता है तो एक आर्ग्यूमेंट पास करता है, और वह आर्ग्यूमेंट होता है दिस पॉइंटर, और उस दिस पॉइंटर के अंदर स्टोर होती है कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट के एड्रेस की वैल्यू। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि दिस पॉइंटर कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो गलत नहीं है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को समझें तो क्या हुआ, जब आपने टी एक्स डॉट शो टाइम लिखा था तो एक्चुअल में दो पैरामीटर पास हुए ना कि एक। देखिए यहां से आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक पैरामीटर पास हुआ, और वह पैरामीटर क्या था, टी एक्स का एड्रेस। जब टी एक्स का एड्रेस यहां पर आ गया तो टी एक्स डॉट एच एच जब किया गया तो क्या हुई, टी एक्स के आवर की वैल्यू प्रिंट हुई। इस तरह से दिस पॉइंटर काम करता है, आप चाहे जब भी कॉल कराएं। तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे चल सकते हैं। अब यहां देखिए मैक्स आवर को हमने जब कॉल कराया, किससे कॉल कराया, हमने यहां पे टी एक्स के जरिए मैक्स आवर को कॉल कराया, तो हमने भले ही दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए, वहां पर तीन आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा है, पॉइंटर है जो टी एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो जो टी एक्स की वैल्यू है वह ऑटोमेटिकली यहां पर पास हो चुकी है ऑलरेडी, बिना हमारे पास किए हुए भी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं टी एक्स को पास नहीं करूंगा, तब भी टी एक्स की वैल्यू पास हुई है, ये बात समझे आप, कैसे पास हुई, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट से कॉल कराया है तो इस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर वहां पास हो चुका है, तो इसलिए अगर मैं इसको लिखता हूं टी एक्स के बिना तो भी काम होना चाहिए। अब मैं इस फंक्शन को नहीं डिलीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर लें, और मैंने इसकी एक कॉपी बना ली डुप्लीकेट, और इस बार इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है टी टू। अब देखिए सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट हमने इसमें पास किया है, तो टी वाई की वैल्यू तो कहां चली गई, टी टू में चली गई, ये आपको समझ में आया। लेकिन अगर हम इन दोनों आवर्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं टी एक्स और टी वाई के, तो हमको टी एक्स की वैल्यू भी वहां पर चाहिए, लेकिन वो तो हमने कहीं पर हैंडल नहीं की है, इम्प्लिसिटली वो पास होती है किसी पॉइंटर के जरिए, दिस पॉइंटर के जरिए। जो दिस पॉइंटर है, अगर मैं
यहां पर सिर्फ एच एच लिखता हूं, T1 डॉट एच एच लिखा था, इस बार मैंने सिर्फ एच एच लिख दिया, और यहां पर रिटर्न में जब T1 डॉट एच एच लिखा है तो मैंने सिर्फ एच एच लिख दिया, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि यहां पर मैंने सिर्फ एच एच लिखा था और मैं जानता था कि मैंने जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया है वही उसी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब मैंने इस फंक्शन को टी एक्स से कॉल कराया है तो ऑटोमेटिकली टी एक्स डॉट एच एच यहां पर आ चुका है और यहां पर भी टी एक्स डॉट एच एच है मेरे लिखे बिना भी। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो भी आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, सिर्फ यहां पर ये एक गलती हुई है हमसे, इसको हम हटा देते हैं और अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के और अब हम इसको रन कर लेते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है? देखिए 6 आउटपुट आ रहा है, 5 वैल्यू थी 6 वैल्यू थी, आउटपुट अभी भी 6 आ रहा है और हम इस बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया था। तो अभी तक तो हमने दिस पॉइंटर का इस्तेमाल किया है लेकिन अनजाने में किया है बिना जाने हुए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं दिस पॉइंटर को। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कैसे, दिस और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और ठीक ऐसे ही आप यहां पर भी लिख सकते हैं दिस और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है, और हमारे केस में टी एक्स ऑब्जेक्ट ने मैक्स आवर फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जब दिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया टी एक्स का एच एच और यहां पर भी टी एक्स के एच एच की बात हो रही है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, कंपाइल करता हूं, तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अगर एरर नहीं आई तो इसका मतलब है आप इस तरह से दिस पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप देखेंगे आउटपुट वही का वही है, आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, 6 आ रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि बहुत से प्रोग्रामर दिस पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि दिस पॉइंटर अस्तित्व में है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस पॉइंटर का इस्तेमाल आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। कुछ बातें और जान लेते हैं दिस पॉइंटर के बारे में। दिस पॉइंटर इज नॉट पास्ड टू फ्रेंड फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शंस अभी मैंने बताए नहीं है, अपने आगे वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। फ्रेंड फंक्शंस क्लास के मेंबर नहीं होते और इसलिए दिस पॉइंटर उनमें पास नहीं होता है, और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं उनके पास भी दिस पॉइंटर नहीं होता है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के साथ और फ्रेंड फंक्शंस के साथ आप दिस पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आपको दिस पॉइंटर का इस्तेमाल करना आया होगा, और अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।